अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। चुनाव में अब दो हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। अभी भी दोनों उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर के आसार ही बताए जा रहे हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। चुनावी सीन कई मायनों में भारत से मिलता जुलता दिखाई देता है तो कई मायनों में एकदम अलग, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि किस मायने में भारत के साथ मिलता जुलता दिखाई देता है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। जैसे भारत में लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने के क्रम में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और पार्टियां उत्तर प्रदेश में पूरा जोर लगा देती हैं, वैसे ही अमेरिका के इस राष्ट्रपति चुनाव में व्हाइट हाउस का रास्ता पेंसिल्वेनिया से होकर जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसलिए यहाँ फतेह किए बिना किसी उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति का चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि पेंसिल्वेनिया में दोनों ही उम्मीदवार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। यहाँ प्रचार पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। यही नहीं, ट्रंप और कमला खुद या उनके बहुत ही पास वाले सहयोगी हर रोज पेंसिल्वेनिया में मौजूदगी भी बनाए रखते हैं। सोमवार को कमला ने लिज चेनी के साथ पेंसिल्वेनिया में एक बड़ी चुनावी सभा भी की। पेंसिल्वेनिया में कमला की पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जाती है क्योंकि 2020 में भी यहाँ डेमोक्रेट जो बाइडन को 81,000 वोट मिले थे, जबकि 2016 में ट्रंप को यहाँ सिर्फ और सिर्फ 44,000 वोट मिले थे। यही नहीं, ताजा सर्वे भी यहाँ कमला को भारी बता रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के पोल ऑफ पोल्स में कमला को ट्रंप से 2 परसेंटेज पॉइंट्स आगे बताया गया है। लेकिन हैरिस के लिए चुनौती ये है कि वहाँ ट्रंप की तुलना में वो कम फेमस है। वोटरों के बीच कमला हैरिस का कम फेमस होना सिर्फ पेंसिल्वेनिया तक ही सीमित नहीं है, सभी 7 मेजर राज्यों में ऐसा ही है। इन राज्यों में कराए गए वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक हालिया सर्वे में 20% वोटर्स ने ये कहा था कि उन्हें कमला हैरिस के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। ऐसा कहने वाले युवा वोटर्स हैं जो 25% थे। शायद यही वजह रही है कि अंतिम दौर में रिपब्लिकन्स ने कमला के बारे में खूब नेगेटिव पब्लिसिटी की, जैसे भारत में बीजेपी वाले राहुल गांधी की करते हैं। कमला हैरिस ने इस समस्या का भी तोड़ निकाला। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में अपने बारे में बातें करना शुरू किया, अपने अतीत के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में। डिट्रॉइट में ऐसे ही एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में कैलिफोर्निया में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में समर जॉब भी की और वहां फ्रेंच फ्राइज भी वो तला करती थी। कमला के इस खुलासे पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दहला ठोंक दिया, जैसे हरियाणा चुनाव के समय जलेबी को लेकर राहुल गांधी पर भाजपाइयों ने ठोका था। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप फिलाडेल्फिया में मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट में चले गए और उन्होंने वहां फ्रेंच फ्राइज तला। ट्रंप ने कहा, मुझे ये काम बड़ा पसंद है, मैं इसे ताउम्र करना चाहता था। साथ ही हैरिस के मैकडॉनल्ड्स में काम करने के दावे को भी झूठ बता दिया। जैसे हमारे यहाँ वोट्स तारीख से पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का प्रावधान है, वैसी ही व्यवस्था अमेरिका में भी है। इसके तहत अभी अर्ली वोटिंग जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के आंकड़ों के मुताबिक 50 लाख से भी ज्यादा वोट यहां पर डाल चुके हैं। एक और मामले में, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को भारतीय चुनाव से अलग माना जाता है। यहाँ चुनाव में बिजनेसमैन किसी पक्ष के समर्थन में खुलकर आने से बचता है, लेकिन अमेरिका में एलन मस्क ने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच साझा किया। और तो और, उन्होंने ट्रंप के प्रचार अभियान को मजबूती देते हुए एक कंपटीशन का ऐलान कर दिया और उसके विजेता को रोज $10 लाख का इनाम देने की भी घोषणा कर डाली। हालांकि उनकी इस पहल को अमेरिकी राजनीति की असामान्य घटना माना जा रहा है और इस बात पर भी बहस छिड़ी हुई है कि क्या चुनाव में इस तरह पैसे बांटना कानूनी तौर पर सही है या फिर नहीं। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने कई महीने पहले से ही रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन में एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भी बना ली थी और इस कमेटी के जरिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन में वोटरों की गोलबंदी भी शुरू कर दी। ट्रंप को उनका तन मन धन दे दिया और साथ ही साथ वो उनका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। अब 5 नवंबर को मतदान के बाद ही पता चलेगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी नाइन डिजिटल पर।